सो ये गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एंड आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी एक्सक्लूसिव रिव्यू लेके आया हूँ दी ऑल न्यू 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर का। अब इस गाड़ी में क्या कुछ बदलाव हुए हैं वो तो मैं आप लोगों को डिटेल वॉक अराउंड में बता ही चुका हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ बेसमेंट में। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इस वीडियो में कि इसकी लाइट कैसी है, फॉग लैंप वगैरह कैसे हैं और इंटीरियर में जो लाइटिंग वगैरह हैं वो कैसी है, तो अपन अंधेरे में एक बार वो देख लेते हैं, फिर लेके चलते हैं इस गाड़ी को एक अच्छी सी ड्राइव पे और इसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं एंड जो प्रीवियस जनरेशन फॉर्च्यूनर थी उससे ये कितनी ज़्यादा अपग्रेड हुई है दिखने में और चलने में, ये सभी आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अंधेरे में आप लोगों के लिए गाड़ी को खड़ा करा है। अब ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है, जितना मिल पाया उतना मैनेज करा है। की में क्या फीचर्स हैं और इससे कौन कौन से लाइट्स वगैरह आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो जो हेडलाइट वगैरह उसको तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अभी ये गाड़ी लॉक कंडीशन में, तो अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये देख सकते हैं जो इंडिकेटर्स हैं और आप लोगों को ORVM वाले इंडिकेटर्स हैं वो चालू होते हुए नज़र आएंगे। अब इस गाड़ी को अनलॉक करा है तो यहाँ पे आप लोगों को ये पेडल लैंप्स मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से और इंटीरियर की जो लाइट्स हैं वो चालू हो जाएगी सारी पीछे तक बूट तक। अब बूट में क्या फीचर है इसका मिलेगा आपको, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में की में ये बूट का बटन दिया हुआ है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर एक हैलोजन बल्ब इसमें मिलता है जिसमें अगर कुछ आपको सामान वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। साइड में अगर यहाँ पर भी कोई लाइट मिल जाती तो वो थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन हो सकता था। अगेन मैं इस बटन को प्रेस करके रखूँगा एंड ये जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है ये ऐसे अपने आप से बंद हो जाएगा, तो इसको बंद होने देते हैं। और इतने में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी जो हेडलैम्प वगैरह हैं वो कैसी हैं और इंटीरियर की लाइट जो हैं उसके अपन बाद में देखने वाले हैं। तो ये हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे फॉग लैम्प दिए हुए हैं और यहाँ पर भी एक LED लाइट्स मिल जाती हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करती है। फॉग लैम्प जो है वो नए आए हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आए हैं और अगर आपको डे टाइम में देखना है तो मैंने एक डिटेल वॉक अराउंड इस गाड़ी का कराया, आप लोग आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक और इसके अंदर आसपास में DRL है जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहर सनलाइट के टाइम पे ही विजिबल होती है, उसके कुछ शॉट्स मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो जो लाइट्स हैं वो कुछ इस टाइप का फ्लो जो है वो देती है और रात में गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है। अब पीछे से एक बार देखते हैं और पीछे कौन कौन से लाइट्स वगैरह इसके अंदर आपको मिलती है, तो ये जो टेल लैम्प है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी की और जो अपीलिंग है अंधेरे में इसका वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रखा गया है। अब इंटीरियर चेकआउट करते हैं। इंटीरियर चेकआउट करने के पहले आप लोगों को ऑलरेडी एक बार मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर ORVM पे इस टाइप से कुछ दिए हुए हैं और नीचे ये जो मैंने आप लोगों को लाइट्स बताई थी DRL वो टर्न इंडिकेटर्स में ऐसे चेंज हो जाती है। तो लाइटनिंग जो है वो गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। एक बार अंदर बैठ के ये भी बता देता हूँ कि कितना लाइट का थ्रो जो है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, तो एक बार मैं लाइट्स को ऑफ करता हूँ। ये देखिए लाइट्स ऑफ कर दी, अब इसको एक बार ऑन करते हैं तो ये देख सकते हैं ये हाई बीम ये लो बीम, तो काफ़ी अच्छा थ्रो जो है वो लाइट का मिलने वाला है, कहीं पे भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है। रात में भी अगर आप इसको चलाते हैं तो आपको मज़ा आने वाला है। गाड़ी को मैं ऑन कर लेता हूँ और आपको बाकी दूसरे फीचर्स जो हैं वो गाड़ी के बता देता हूँ। तो अब एक्चुअली जो है गाड़ी ऑन है और इंटीरियर में लाइट्स मुझे थोड़ी चाहिए, तो मैंने इन LED लाइट्स की मदद ली है ताकि मैं आपको पूरा डैशबोर्ड वगैरह अंधेरे में बता पाऊँ कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लू कलर के अंदर लीटअप होता है, ये MID और बहुत ही प्यारा लगता है। जो स्टेयरिंग व्हील पर कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पर भी, जो बैकलीट है वो ब्लू कलर की रखी गई है, ये कम्प्लीट आप लोग देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर भी सारे स्विचेस वगैरह जो हैं लीटअप हैं ब्लू कलर की लाइट में और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है विजिबल होती है। मुझे एक चीज़ की यहाँ पर कमी ये लगी इस लाइट के अंदर कि जो ऊपर वाला ग्लो बॉक्स है इसमें कोई लाइट वगैरह जो है वो नहीं रखी गई है, सिर्फ जो ये नीचे वाला ग्लो बॉक्स है यहाँ पर एक लाइट आपको मिल जाती है। तो आप लोगों ने देख ही लिए है यहाँ पर ये सारे मोड्स के बटन हैं एंड यहाँ पर भी सारे जो है ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के डिफरेंशियल लॉक ऑटो ऑन ऑफ जो है उसके फंक्शंस दिए गए हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। और यहाँ पर कप होल्डर में कोई लाइट्स वगैरह नहीं रखी गई है। यहाँ पर जो है आप गाड़ी के मोड्स को सिलेक्ट करेंगे आपको किस में डालना है। अब एक बार पीछे वाली सीट जो है उसको चेकआउट करते हैं, गाड़ी को ऑन ही रहने देते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो के अंदर, क्या है कि सिंगल लाइट है जैसे कि आप लोगों ने देखा पीछे जो बूट वाली लाइट है वही थर्ड रो वालों के लिए भी जो है वो काम करने वाली है, दैट्स ऑल। उसके अलावा और कोई लाइट जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो अब चलते हैं और चला के देखते हैं डायरेक्टली इसको कि चलाने में कैसी गाड़ी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन कर ही चुका था। अब जब सारी लाइट्स बंद होती है तो ये नीचे वाली DRL जो है वो ऑन होती है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं दी ऑल न्यू 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर को चलाना। डी मोड में है एंड क्रीप फंक्शन से गाड़ी को स्टार्ट करा मैंने चलाना एंड गाड़ी जो है क्रॉल करना स्टार्ट कर दिए। अब एक्सेलरेट करते हैं
और मैंने क्या कुछ इसके अंदर फील करा है, उन सभी चीज़ों को बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि पुरानी वाली फॉर्चुनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नई वाली आपको कैसी फील होगी, या अगर आप नए बायर हैं और आप फॉर्चुनर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ये गाड़ी आपके लिए सही है या नहीं है, या ये गाड़ी कैसी फील होती है, वो सारी चीज़ें अपन कस्टमर परस्पेक्टिव के हिसाब से जानते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी में बैठना या इसका व्यूइंग एंगल वगैरह जो है वो कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है बहुत ही बढ़िया व्यू जो है इस गाड़ी से मिलता है। आप देख सकते हैं फ्रंट की जो विंडो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, बोनेट क्लियरली विजिबल होता है, ORVM सही है, IRVM जो है यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया व्यू जो है वो आता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो सीटिंग पोजीशन है वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, सीट हाइट जो है वो डेफिनेटली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली, कोई परेशानी जो है वो गाड़ी में आपको आने नहीं वाली है व्यूइंग एंगल से और सीटिंग पोस्चर से रिलेटेड, या सीटिंग का जो मतलब बोल सकते हैं ना कि जो पोजीशन है उससे रिलेटेड आपको कहीं परेशानी जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इस गाड़ी की हैंडलिंग जो है वो कैसी हुई है और कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, बिकॉज बड़ी गाड़ियों की हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं इस रोड पर आया हूँ तो यहाँ पर इससे बेटर कोई जगह तो हो नहीं सकती है कि जहाँ पर आप इस गाड़ी की हैंडलिंग को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत ये स्पीड ब्रेकर आएंगे, राउंड कर्व्स वगैरह आएंगे, तो उन सभी के बारे में बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक की, जो कितना चेंज हुआ है और कितना सही है। तो पहले से जो स्टीयरिंग है वो हल्का सा आपको लाइट फील होता है जब आप गाड़ी को स्लो चलाते हैं, सिटी में मनूवर करते हैं तो वहाँ पर इसको मनूवर करना काफ़ी आसान होता है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम जो है या परेशानी नहीं आती है कि गाड़ी जो है इतनी बड़ी है या भारी है, आपको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। दूसरा एक चीज़ ये, अगर आप किसी बम्प से निकल रहे हैं तो स्टीयरिंग में उसका फीडबैक जो है वो आ जाता है, तो ये चीज़ मुझे अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, अभी भी उसके अंदर स्कोप थोड़े से बाकी है। बाकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी सही है। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो हाई स्पीड पे भी स्टीयरिंग जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड फील नहीं होता, इतना ज़्यादा वेट उसमें नहीं आता है, एक डिसेंट वेट जो है वो कैरी करके चलता है, जिससे कि इसको चलाना या इसको मनूवर करना आसान रहता है। बट हाँ, अगर प्रॉब्लम वहाँ आती है कि आप 120-140 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो और सडन अगर कोई एकदम ब्रेकर या बम्प आ जाता है तो जैसे आपको स्टीयरिंग में एकदम से झटका सा लगता है ना, वो चीज़ फील होती है, तो वहाँ पर आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ड्राइवर्स जो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है और वो जो है कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज़ कर सकते हैं। तो बेटर अगर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप गाड़ी को मैनेज कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी से जो है, गाड़ी तो पूरा आपको मतलब पूरा छूट देती है कि आपको जैसा इसको एक्सप्लोर करना है आप करो। नेक्स्ट बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज जो है वो आपको फील होने वाले हैं पुरानी फॉर्च्यूनर से नई फॉर्च्यूनर में। इसमें आपको सस्पेंशन जो है वो हल्के से मतलब बोल सकते हैं ना कि स्टीफर और जो सॉफ्टर, उन दोनों के बीच में बैलेंस रखा गया है। यानी कि अगर आप जैसे बॉडी रोल है वो आपको कम फील होता है, पुरानी वाली गाड़ी झूलती थी, ये झूलती नहीं है, थोड़ा सा हिलती है बिकॉज गाड़ी का वेट ज़्यादा है। दूसरा थोड़े बहुत मतलब जो मतलब बोल सकते हैं ना कि पोर्टल्स आते हैं, अंडुलेशंस आते हैं, वहाँ से एकदम आराम से निकल जाती है, कहीं कोई परेशानी नहीं आती, आप ना देखे जो है निकल रहे हो, या हाई स्पीड है तो आपको स्लो करने की भी अगर जैसे इच्छा नहीं है तो आप जा सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अभी ये स्पीड ब्रेकर की साइज काफी बड़ी है, ये देखो मुझे हल्का सा फील हुआ कि हाँ एक स्पीड ब्रेकर जो है इस गाड़ी के नीचे से निकला है, दैट्स ऑल, ये बस। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी तो मैं इस गाड़ी में अकेला बैठा हूँ, अगर 7 लोग इस गाड़ी में बैठे हैं तो डेफिनेटली क्या दब के और बहुत ही प्यारी जो है ये गाड़ी चलने वाली है, इसका एक अलग मज़ा जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। नेक्स्ट इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, वो इस गाड़ी का इंजन की परफॉर्मेंस, और आपको मिलता है 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये टॉर्क आपको फील करवाता है कि हाँ यार आप एक पावरफुल इतनी बड़ी फुल साइज़ SUV चला रहे हो, और आपको मज़ा भी जो है वो आता रहता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस टोयोटा फॉर्चुनर से रिलेटेड, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो नेक्स्ट लेवल फील जो है वो आपको देता है। टर्बो की जो विस्लिंग है वो चीज़ आपको फील होती है अराउंड 2000 RPM के आसपास, 1600-1700 RPM के आसपास जो है वो किक इन करता है, और वो जो विस्लिंग साउंड है वो भी बहुत प्यारी है और मतलब एक नेक्स्ट लेवल फील देती है। अगर आप एंथुसियास्ट हैं तो डेफिनेटली आपको टर्बो की विस्लिंग साउंड जो है वो पसंद होगी ही होगी। और ये गाड़ी को मैनेज करना जो है वो काफ़ी आसान है, डेफिनेटली आपको जो साउंड है वो सुनाई में आ जाता है गाड़ी से कि हाँ कहीं ना कहीं आपने ओवरस्टीयर करी है, और कहीं ना कहीं आपका जो मतलब व्हील है वो स्पिन हुए हैं, या व्हील से एकदम से आपने कर्व करी है, तो वो जो साउंड है वो डेफिनेटली आपको सुनाई में आता है, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और डेफिनेटली जो है मुझे एक चीज़ ये पसंद आई इस गाड़ी से रिलेटेड कि आप लोगों को पीछे भी अगर बैठते हैं लाइक थर्ड रो में,
तो भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होगी कि यार हाँ ये गाड़ी के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई फास्ट चला रहा है तो आपका वहाँ पर कंफर्ट जा रहा है, कंफर्ट एकदम बना रहता है। और अगर क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो 80 से 120 की स्पीड एसी है इस गाड़ी की, जहाँ पर आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसको पार्किंग वगैरह में दिक्कत आती होगी, तो अभी स्लो स्पीड पे मैं यहाँ पर इसको टर्न करके देखता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना कि कम जगह है मेरे पास यहाँ पर टर्न करने की। ओके, एंड यहाँ पर ये जो कैमरा है इसमें गाइडलाइन वगैरह जो है वो कुछ नहीं मिलती है, तो ये एक मुझे कमी लगी कि यार गाइडलाइन अगर इसके अंदर होती तो काफ़ी अच्छी बात होती। बट अब फ्रंट में आपको ये जो है पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, सोनार जो है सेंसर इसको कंपनी बोलती है। और डेफिनेटली ये चीज़ इस गाड़ी को ईजी बना देती है कि आप अगर कहीं ऐसे टाइट स्पॉट पर टर्न कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। अभी जैसे मैंने यहाँ पर टर्न करा तो ईजिली जो है मैंने इसको मनवर करा, हल्का सा डेफिनेटली वेट होगा ही होगा बिकॉज ये फॉर्चुनर है और इतनी बड़ी और इतना ज़्यादा इसके अंदर वेट है, पुरानी वाली फॉर्चुनर सामने खड़ी हुई है। और डेफिनेटली जो है लुक्स के मामले में सारी ही फॉर्चुनर्स मुझे हमेशा से पसंद आई है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको इस फॉर्चुनर से रिलेटेड भी नहीं आने वाली है। और इंटीरियर का कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस वगैरह अपन ने सभी चीज़ें डिस्कस कर ली है, अच्छे से सभी चीज़ें जान ली है इस गाड़ी से रिलेटेड। ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी लगी है मुझे इस गाड़ी की। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स जो है वो इसमें आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और 6 स्पीड का ही मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। दोनों ही ट्रांसमिशन अच्छे हैं, आपको ऑटोमेटिक लेना है या मैनुअल लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं अभी जो है ये ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड गियर जो चेंज होते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा फील होता है, बट जो उसके बाद के गियर्स हैं वो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं करवाते हैं, लाइक एकदम स्मूथ शिफ्टिंग जो है वो आपको ऑफर करते हैं। अदरवाइज आप फिर स्पोर्ट्स मोड में डाल दो और स्पोर्ट्स मोड में चलाओ गाड़ी को, अपना एक अलग ही जो है मज़ा आप ले सकते हैं। टायर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं वो आप लोगों को मिलते हैं वेट एंड समर टायर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ आपकी इच्छा हो, आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। ऑफ रोडिंग के लिए जो है आप लोगों को मतलब बोल सकते हैं ना कि अगर बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर करनी है तो टायर अपग्रेड करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये वाले टायर जो हैं वो आपका काम कर जाएंगे। सॉफ्ट कंपाउंड टायर जो हैं वो इसके अंदर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट, एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, सभी चीज़ें रीच में होती है, अर्गोनॉमिक वाइज कहीं पे कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आएगी। पेडल शिफ्टर जो है वो उनको यूज़ करने का अपना एक अलग ही मज़ा है इस गाड़ी में, बट वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। मैंने भी इसका स्पोर्ट्स मोड और जो ये डी मोड है ड्राइव मोड, इसी को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करा है। पेडल शिफ्टर यूज़ करने में वहाँ पर मज़ा आता है जब आपके पास में मतलब लाइक सेडान वगैरह हो या स्पोर्ट्स कार हो तो डेफिनेटली आप यूज़ करेंगे, बट फिर भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वही एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि हाँ अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास में उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। सनरूफ नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि इंडियन एनवायरनमेंट में सनरूफ की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर चूंकि डिमांड होती है इस सेगमेंट में, या मतलब हल्के 10 लाख की गाड़ियों में भी मिल रहा है, तो ये तो 40-50 लाख की गाड़ी है, तो यहाँ पर सनरूफ या पैनोरमिक सनरूफ जो है वो अभी भी एक वेलकम अपडेट जो है वो हो सकता है। बाकी ओवरऑल मुझे ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। और ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन दी ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेके। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। सभी डिटेल्स जो हैं आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है। अब इस गाड़ी से रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू भी शेयर कर दिया है। दूसरा जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस गाड़ी का जो लेजेंडर वेरिएंट है वो कैसा दिखता है, अगर आपको वो भी चेकआउट करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं, और उसका पूरा वॉक अराउंड आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। इसका भी अगर आपको एक डिटेल वॉक अराउंड देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक करिए, वो भी आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ अपन जो है थोड़े टाइम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, और अगर मुझे कहीं चांस मिला इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाने का तो डेफिनेटली वहाँ पर इसकी कैपेबिलिटीज़ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। माइलेज की लास्ट में जाते जाते बात कर लेता हूँ, बट इसके कस्टमर्स को माइलेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी जहाँ पर जिस कंडीशन में मैं चला रहा हूँ उस कंडीशन में मुझे जो है 9.3 kmpl का माइलेज जो है वो ये गाड़ी रिटर्न कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है इस गाड़ी से आप अच्छा माइलेज भी निकाल सकते हैं, लाइक अच्छा से इन द सेंस 13-14 के आसपास ये माइलेज इस गाड़ियों के लिए अच्छा होता है। अगर आप हाईवे पे इको स्पीड में जो है चलाते हैं इकोनॉमिक स्पीड में तो आपको डेफिनेटली ये गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज जो है वो रिटर्न करती है। NVH गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम जो है या कोई परेशानी आपको नहीं आएगी NVH से रिलेटेड। 2000 RPM के बाद में डेफिनेटली ये साउंड जो है इंजन से आना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो काफ़ी बड़ा इंजन है तो डेफिनेटली साउंड आएगा, बट फिर भी केबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता है और आपको उस केबिन में रहना अच्छा लगेगा। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करना चाहते हैं तो इस गाड़ी से आप आराम से कर सकते हैं।
तो ये थे मेरे फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया टोयोटा फॉर्च्यूनर 2021 से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियो है। बहुत ही कम लोगों ने जो है ये सारे टेस्ट करके या इसका जो है मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें। मैं कास बाइक स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ कल ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ़।